चार्ज जो है ना उसको पकड़े और जो फ्लेम पे एम करें, वो ऐसे ही मत दबा दीजिएगा, इसको थोड़ा आगे झुका दीजिए। अब बाय द वे इसके प्रेशर से ये रैप्चर होती भी है तो आपका शरीर सुरक्षित है, इतना सा आप ध्यान रखेंगे, इतना ध्यान रखेंगे बाकी प्रॉब्लम नहीं है। डीसीपी को जब भी आप चलाते हैं तो थोड़ा दो तीन बार ऐसे टर्न ओवर कीजिए, क्योंकि उसमें मॉइस्चर हो जाता है। अभी यहाँ 80 से ऊपर का आर्द्रता है, वो नमी उसे पकड़ जाती है, वो पाउडर वहाँ जम जाता है, वो सारी समस्याएं हैं। तो थोड़ा उसको फ्लैप कर देंगे, टर्न ओवर कर देंगे, उस पाउडर को थोड़ा हिला देंगे तो उसके चलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अरे पाइप अपने मुंह पे ना, अरे बारह बुझ गई हो गया। पानी वाला है क्या? अब कोई और एक्सपीरियंस करना चाहिए तो